Hello everyone, welcome to our channel Ideal City Academy. I am Balram Tiwari. आज से मैं आपके लिए अकाउंट की क्लासेस लेके आ रहा हूँ. That is for the class 12th student. And today our first topic is valuation of goodwill. स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गुडविल. कि गुडविल क्या होती है. गुडविल मींस अ फर्म रेपुटेशन, एक फर्म की रेपुटेशन जो एक फर्म अपनी ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क से अर्न करती है. दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म. अगर हम फर्म के रिकॉर्डिंग गुडविल की बात करें कि गुडविल क्या होती है, तो एक फर्म जो अपनी हार्ड वर्क से और अपनी ऑनेस्टी से जो एक रेपुटेशन मार्केट में जनरेट करती है, दैट रेपुटेशन इज नोन एज द गुडविल ऑफ द फर्म. वही उस फर्म की गुडविल होती है. सो लेट्स सी अ एग्जांपल. सपोज दैट एक ट्रेडर है ए, उनकी साल भर की जो प्रॉफिट अर्न वो करते हैं वो नियर अबाउट 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हैं. अनदर ट्रेडर बी, मान लीजिए वो प्रॉफिट अर्न करते हैं साल भर में 3 लाख. अनदर ट्रेडर, एक ट्रेडर और है सी, वो मान लीजिए साल भर में प्रॉफिट अर्न करते हैं 2.5 लाख. अब उसी सेक्टर में या उसी मार्केट में मानते हैं एक और ट्रेडर आते हैं मिस्टर डी, वो एकदम न्यू है, एकदम न्यू इन द मार्केट. वो अपनी दुकान खोलते हैं. अच्छा, क्या ऐसा कोई कंडीशन होगी कि मिस्टर डी जो है जब अपनी दुकान ओपन करें या शॉप चलाएं या फॉर्म चलाएं तो उनका कोई भी प्रॉफिट ना हो या कोई भी सेल ना हो, जीरो सेल हो? नहीं, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होगा कि जीरो सेल होगा. बस डिफरेंस ये इतना है कि कुछ ना कुछ आदमी उनके यहाँ से सामान खरीदेंगे, जो एक दो आदमी से, लेकिन वो कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे. ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि उनकी सेल साल भर की क्या हो, जीरो. तो सपोज दैट मिस्टर डी है अनदर ट्रेडर, उनका साल भर का जो सेल है या साल भर की जो प्रॉफिट है मिस्टर डी की, वो मान लीजिए 2 लाख रुपए है. सपोज दैट मिस्टर डी, अब मिस्टर डी जो है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हैं, मिस्टर सी जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा बिजनेस में पुरानी है, उनका जो प्रॉफिट है साल भर का वो 2.5 लाख का है. मिस्टर बी जो है वो थोड़ा सा और पुरानी है, उनका जो प्रॉफिट है वो 3 लाख का है. एंड मिस्टर ए वो थोड़ा सा सबसे ज्यादा पुराने हैं, वो उस एरिया के सबसे रेपुटेटेड ट्रेडर है, उनका जो प्रॉफिट है वो 3.5 लाख रुपए का है. ये जो मिस्टर डी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीज, दैट इज नोन एज द नॉर्मल प्रॉफिट. यही प्रॉफिट हमारा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉफिट, और इससे ऊपर का एक्सेस का जितना भी प्रॉफिट है, इससे ऊपर का या एक्सेस का जितना भी प्रॉफिट है, दैट इज द दैट एक्सेस प्रॉफिट इज नोन एज द सुपर प्रॉफिट. ये सुपर प्रॉफिट है, इनका सुपर प्रॉफिट 50,000 होगा, इनका सुपर प्रॉफिट 1 लाख, एंड डेट सुपर प्रॉफिट 1.5 लाख. डेट प्रॉफिट इज नोन एज द सुपर प्रॉफिट. 50,000, 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, ये प्रॉफिट जो है सुपर प्रॉफिट होगा. और ये जो लेवल होगी 2 लाख रुपए प्रॉफिट की, डेट प्रॉफिट इज नोन एज द नॉर्मल प्रॉफिट. ये प्रॉफिट जो होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा. और ये प्रॉफिट जो अर्न किया है इन्होंने, उन्होंने कैसे अर्न किया है, डेट प्रॉफिट जो इन्होंने अर्न किया वो कैसे अर्न किया, डेट एक्सेस लेवल ऑफ प्रॉफिट, ये इनकी क्या होगी, गुडविल होगी, जो इन्होंने मार्केट के रेपुटेशन कमाई होगी, अर्न की होगी अपनी ऑनेस्टी से, अपनी ईमानदारी से. वो रेपुटेशन की वजह से ही ये एक्सेस प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया या सुपर प्रॉफिट अर्न किया. डेट सुपर प्रॉफिट इज नोन एज, ये ही इनकी क्या है, गुडविल. अब देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं. तो आपकी बुक में, इन योर बुक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अगर बात करें तो 3 वैल्यूएशन दी हुई है. देर आर द 4 मेथड आपकी बुक में दिए हैं, गिवन है. दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, द अनदर वन इज द सुपर प्रॉफिट मेथड,
The third one is the capitalization method. And the fourth method, that is the weighted average profit method. These are the four methods. ये four method है जो आपकी book में given है, या जो four method है जो आपकी book में दिए हुए हैं, average profit method, super profit method, capitalization method and the weighted average profit method. इसमें जो सबसे मेन मेथड है, ये दो मेथड यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें से सुपर प्रॉफिट मेथड इज द फादर ऑफ ऑल द मेथड. ये सुपर प्रॉफिट मेथड जो है फादर ऑफ ऑल द मेथड मींस क्यों, कि अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड को पढ़ते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मींस द कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, बोथ ये जो हमारे हैं ये इसी में कवर हो जाते हैं. इसके लिए फिर हमें अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं होगी. सो वी डिस्कस अबाउट द सुपर प्रॉफिट मेथड. हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है. लेट्स सी. देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर हम इस मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन की बात करें कि हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे कैसे, तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू, अब देखिए इसी फर्म की अगर गुडविल की बात की जाए तो किसी भी फर्म की जो गुडविल होती है वो सिर्फ एक साल, दो साल या कुछ ढाई तीन साल के लिए हम वैल्यूएट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि देयर आर द सम फैक्टर, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो फर्म की गुडविल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई भी शॉप है, बहुत अच्छी सी शॉप है, रन हो रही है, सपोज डेट वहां पे जो है मेट्रो स्टेशन बन गया, शॉप टूट गई, अब लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है या उसकी जो सेलिंग है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा. इसी तरीके गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो चेंज हो गई तो वो भी फर्म की गुडविल पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी. तो फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन ना होकर शॉर्ट पीरियड, दो साल तीन साल क्या होता है उसके आगे हम फर्दर फिर उसको वैल्यूएट करते हैं. तो जो ये दो या तीन साल के लिए होगा, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज. अभी भी मैंने बताया, देखिए आपका एग्जाम्पल की सुपर प्रॉफिट, इसका सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपीज है. एक एग्जाम्पल मैंने बताया था कि इसका सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपीज है. मान लीजिए ये 50,000 रुपीज का जो सुपर प्रॉफिट है वो नेक्स्ट टू ईयर तक अर्न करेगा, तो इसकी गुडविल कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू 2 इक्वल टू 1,00,000 रुपीज. इसी तरीके इसका सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,00,000 रुपीज है. अब मान लीजिए ये 1,00,000 रुपीज का जो सुपर प्रॉफिट है ये नेक्स्ट टू ईयर तक अर्न करेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज सपोर्ट डेट टू ईयर है, ये अगले दो साल तक उसकी ये गुडविल मेंटेन रहने वाली है, तो उसका उसकी गुडविल कितनी हो जाएगी, रुपीज 2,00,000. इसी तरीके मिस्टर ए जो ट्रेडर है वो 1,50,000 रुपए का एक्सेस प्रॉफिट जो अर्न करते हैं, सुपर प्रॉफिट या जो कह सकते हैं अर्न करते हैं, ये जो है सपोज डेट नेक्स्ट टू ईयर तक इसकी वैल्यूएशन है कि नेक्स्ट टू ईयर तक एटलीस्ट इतना अर्न करेंगे, तो इनकी गुडविल कितनी हो जाएगी, रुपीज 3,00,000 रुपीज. ये तो एक जनरल एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझा दिया. अब सपोज डेट की क्वेश्चन हमें मिलता है, तो क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन मिलेगी, कि क्वेश्चन आपको जब दे देगा तो ऐसा कंडीशन हमें देगा कि वहां पे हमें लास्ट तीन या चार ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ होगा, प्रीवियस थ्री या फोर ईयर के प्रॉफिट दिए हुए होंगे. अब सपोज डेट हमारे पास एक फर्म है, उसका 2018 में जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 रुपीज है, 2019 में जो प्रॉफिट है वो 2,00,000 रुपीज है, एंड 2020 में जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए सपोज डेट 3,00,000 रुपीज. अगर फर्म से पूछा जाए कि आपने तीन साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया, या फर्म से पूछा जाए कि आपने कितना प्रॉफिट तीन साल में कमाया, तो ना तो वो मिनिमम अमाउंट बता सकती है ना तो वो मैक्सिमम अमाउंट बता सकती है. क्यों? क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट बताएगी कि हमने सिर्फ 1,00,000 रुपए कमाया, तो बाकी का उसका पैसा जो है बाकी उसने एक्सेस किया है. अगर वो बताए कि हमने तीन
लाख कमाया तो उससे प्रीवियस दो ईयर उसने उससे कम पैसा कमाया है। तो एक एवरेज वो बता देगा कि हमने एक एवरेज जो है साल भर में 2 लाख रुपए कमाया है, वो एक एवरेज प्रॉफिट बता देगा कि हमने साल भर में कितना कमाया है, 2 लाख रुपए कमाया है। तो पहली चीज क्या नीड होगी हमें सुपर प्रॉफिट के लिए, किसकी नीड होगी? एक फर्म के एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की नीड होगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की नीड होगी। इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। फर्दर हमें नीड जो होगी वो किसकी होगी? यहां देखा हमें एक एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमें मिल गया। द नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल प्रॉफिट, जिसकी हमें नीड होगी। एक फर्म साल भर में कितना नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, अगर कोई एक नई फर्म है तो साल भर में कितना नॉर्मल प्रॉफिट या कितना मिलेगा? तो देखिए, जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होता है वो जनरली जो होता है वो रेट ऑफ रिटर्न जो है या जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमारी कैपिटल इन्वेस्ट हमने बिजनेस में कितनी की है ये इस पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होगी उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। रेट ऑफ रिटर्न आपका ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, लेकिन जब आपकी कैपिटल ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपका टोटल अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट की अगर बात करें कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, हमारा सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। हाँ, एक कंडीशन और होती है कभी कभी कि हमें जो है बिजनेस में सीधा सीधा या सॉरी हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा जो है कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दी होगी, उसके बिहाफ पे जो होगा हमें टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखी होगी, तब हम कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे? तो याद करिए 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन, कि वहां हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सेम उसी फार्मूले का हम यहां यूज करेंगे, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, दैट इज द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला है कैपिटल निकालने के लिए। इफ अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दी होगी, आपको सिर्फ एसेट्स पता है और लाइबिलिटीज पता है, तो एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए, आपका कैपिटल निकल आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सुपर प्रॉफिट मेथड। लेट्स सी आर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। क्वेश्चन है कि अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलो। इन 2009 20,000 प्रॉफिट, इन 2010 70,000 लॉस। लेट्स सी, इन 2009 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज। 2009 की प्रॉफिट रुपीज 20,000 प्लस 2010 में लॉस गिवन है 70,000 रुपीज। सब लोग जानते होंगे एवरेज प्रॉफिट निकालना, या क्लास 8-9 में आप लोगों ने एवरेज पढ़ी भी होगी 6-7 स्टैंडर्ड में, तो वहां से ही पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल, देन सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में रीड कर दे रहा हूं, In 2001, earned net profit during the last seven years: 2009 20,000 profit, 2010 70,000 loss, 2011 40,000 loss, 2012 2,50,000 profit, 2013 2,70,000 profit, 2014 3,20,000 profit, and 2015 3,20,000 profit. The capital invested in the firm is rupees 12 lakh. Normal rate of return in the similar type of business is
10%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 year. लेट्स सी द थर्ड ईयर प्रॉफिट इज 40,000, द थर्ड ईयर लॉस इज 40,000. फोर्थ 2012 2,50,000, 2013 2,70,000, 2014 3 lakh, and 2015 3,20,000. Total number of year 7. Calculate कर लीजिए. वन लाख, 10,50,000 डिवाइडेड बाई 7, 7 बन गया 7, 5 3 रिमेनिंग 35, 1,50,000 रुपीज. दैट इज द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट वैल्यू कर लीजिए. कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ क्वेश्चन 12 lakh. रेट ऑफ रिटर्न 10%. नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज. देन देखिए, अब हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, अब क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. माइनस कर दीजिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज एंड नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 रुपीज. इक्वल टू 30,000 रुपीज. ये हमारा क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट. अब गुडविल फाइंड आउट कर लेते हैं. गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2.5 year. फॉर्मूला ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट 30,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 year, यानी कि कितना हो जाएगा? 5/2. कट कर दीजिए 15. गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 75,000 रुपीज. दैट इज द आंसर. दिस इज द सुपर प्रॉफिट मेथड. ये आपका गुडविल का क्या था? सुपर प्रॉफिट मेथड था. देख लीजिए, यहीं से हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना आ गया. जो आपका पहला फॉर्मूला बुक में दे रखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया. नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 year है. उसी तरीके वो फॉर्मूला भी इसी में क्या होगा? यूटिलाइज हो गया है. इसी के साथ उससे भी आंसर फाइंड आउट हम कर सकते हैं. सो दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट मेथड. अब नेक्स्ट हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड.
देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन मेथड। फ्रॉम दिस मेथड देयर आर टू मेथड। इस मेथड से जो है दो तरीके हैं निकालने के लिए, टू वे हैं। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, सेकेंड वन कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। अब पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट की। देखिए इससे कैसे निकलेगी, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इन, यही फॉर्मूला है। इसी को क्या करें, रिवर्स कर दीजिए, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 के बिहाफ ऑफ 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट देखते हैं, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस क्या कर देंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। फिर कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, गुडविल बराबर क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इसमें से क्या माइनस कर दिया जाएगा, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी उस कैपिटल को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स सी एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपका देखिए दे रखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10,000, एसेट्स इक्वल टू आपका दे रखा है 9,70,000 रुपीज एंड लाइबिलिटीज इक्वल टू आपका क्वेश्चन में दे रखा है 4,00,000 रुपीज। अब वैल्यूएशन करते हैं गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी अभी मैंने बताया कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे फाइंड आउट की जाएगी, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे फाइंड आउट की जाएगी। पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे फिर इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। तो क्वेश्चन में जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका कितना गिवन है, 72,000 रुपीज गिवन है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 72,000 रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन में आप देखें तो आप पाएंगे कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दे रखा है, उसके बिहाफ पे आपको लाइबिलिटीज दे रखी है और एसेट्स दे रखी है। तो एसेट्स कितनी है, 9,70,000 रुपीज है एंड लाइबिलिटीज हमारी कितनी है, 4,00,000 रुपीज। यही फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बराबर कैपिटल। तो कैपिटल फॉर्मूला और क्या लेते हैं, -4,00,000 इक्वल टू 5,70,000 रुपीज, दैट इज द कैपिटल एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट
इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सॉरी कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है? 5,70,000 रुपए गुणे इनटू 10/100 इक्वल टू 57,000 रुपीज। क्लियर हो गया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट 57,000 रुपीज। अब हम निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 15,000 रुपीज आ गया। अब भी मैंने बताया फॉर्मूला गुडविल बराबर क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। फिफ्टीन थाउजेंड इंटू 100 बाई 10 इक्वल टू 1,50,000 रुपीज। That is the valuation of goodwill. अब देखिए एक चीज समझिए कि 1,50,000 रुपीज हमारी जो है गुडविल की वैल्यूएशन हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज है, इसको ध्यान से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपीज है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 72,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करते हैं किस रेट से? 10% से। 10% के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना होता है? 72,000 रुपीज। यानी कि 10% प्रॉफिट कितने के इक्वल है? 72,000 रुपीज के इक्वल है। इसका मतलब हुआ क्या कि 7,20,000 रुपीज, इसका मतलब हुआ क्या कि अगर हम टोटल 100% के हिसाब से देखें तो क्या होगा कि अगर हम 7,20,000 रुपीज की कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारा जो है 72,000 रुपीज प्रॉफिट जनरेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 10% 72,000 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ अगर हम 7,20,000 रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट करें तभी हमारा जो है प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 72,000 रुपीज आना चाहिए। लेकिन देखिए हमने यहाँ कैपिटल रिस्क कितनी की है? 5,70,000 रुपीज की है। यानी कि जो हमें 10% जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है उस हिसाब से 7,20,000 रुपए अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट करें तब 10% के हिसाब से हमें 72,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था। लेकिन हमने रियलिटी में कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की? 5,70,000 रुपए ही हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है, उसी पे हमें जो है एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपए का मिल रहा है। मीन्स क्या है कि जो प्रॉफिट हमें अर्न होना चाहिए था 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने पे हमें 72,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, वो प्रॉफिट वो है क्या कि हमें 5,70,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने पे हमें 72,000 का प्रॉफिट मिल रहा है? देखिए ये डिफरेंस ये है ना कि 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने पे 72,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। लेकिन रियलिटी में कैपिटल हमारी कितनी है? 5,70,000 की हमने इन्वेस्ट किया, उसी पे हमें 72,000 का एवरेज प्रॉफिट 72,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई हिडन फैक्टर है जो काम कर रहा है, जो हमारा प्रॉफिट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब मैंने बताया कि गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिसको हम टच नहीं करते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो एक फॉर्म में क्या करती है? काम करती है। तो ये हिडन फैक्टर ही हमारी क्या है? गुडविल है। और कितनी है? 1,50,000 रुपीज की हमारी जो है गुडविल है। यही हमारा क्या है? हिडन फैक्टर है जो हमारा काम कर रहा है। That is the valuation of goodwill from the capitalization super profit method. आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलेंगे कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड।
आगे आपको फर्दर वीडियो मिलती रहेगी हमारी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके हम कुछ न्यूमेरिकल और एग्जांपल देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर से लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज मस्ट वॉच एंड शेयर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।